एक स्कूल दे विच पुलिस अते सिक्ख्या विभाग दे अधिकारियां दे वल्लों छापा मारिया गया। दस दिए कि स्कूल दे उत्ते इल्जाम लगे ने कि जिथे सरकार दे वल्लों ठंड दे करके छुट्टियां दा ऐलान कर दिता गया, उस दे बावजूद भी इस स्कूल दे विच बच्चियां नूं बुलाया गया। तां मामला लुधियाणा तो सामने आया जिथे कि एक निजी स्कूल ते इल्जाम लग रहे ने कि ठंड दे विच भी इन्हां दे वल्लों बच्चियां नूं बुलाया गया। हालांकि जदों मौके दे उत्ते टीमां पहुंचियां ने तां उस समय कुछ बच्चे अंदर जरूर मौजूद सी, पर दूजे पासे स्कूल दा भी इस सब नूं लैके बयान सामने आया जिस दे विच स्कूल दा कहना है कि स्कूल च इवेंट होना है जिसकी तैयारियां नूं लैके यह बच्चे बुलाए गए सी, पढ़ाई नूं लैके यह बच्चे नहीं बुलाए गए सी, सिर्फ कुछ मिनटां दे लई यह बच्चे बुलाए गए सी। हालांकि दूजे पासे कहा जा रहा है कि विधायक नूं भी लगातार शिकायतां मिल रहियां सी कि स्कूल दे विच बच्चियां नूं बुलाया जा रहा है, जिस तों बाद कहा जा रहा है कि पुलिस अते सिक्ख्या विभाग दे अधिकारियां ने छापा मारिया है। इस तरह मैं स्कूल का लीगल एडवाइजर है, मैं सिर्फ उस हैसियत से बोल रहा, मेरा कोई होर हैसियत नहीं है। सरकार ने ठंड के चलते स्कूल छुट्टियां की हुई, स्कूल टोटल बंद है, इंटरनल वर्किंगली स्केलटन स्टाफ आया होंगे, कुछ बच्चे जिन्हों के फंक्शंस उन्होंने पार्ट लेना सी उस फंक्शंस दी किट्स दे संबंध में पेरेंट्स आए एंड मैं महसूस जो करना कि हो सकता है सारे बच्चे फंक्शन सिलेक्ट नहीं होंगे, कोई यह जे बच्चे होने जो सिलेक्ट नहीं हुए हुए, उन्होंने जाके लोकल MLA साहब ना कोई गल की होनी है, MLA साहब सीधा वेरीफाई कर लेंगे या किसी अफसर कह देंगे वेरीफाई कर लेंदा। उन्होंने पता नहीं क्यों अपनी समझ दे विच टेलीफोन ते कुछ गुस्से च गर्म भाषा दे विच कुछ अवॉयडेबल वर्ड्स यूज करके बोले हैं, शायद वक् वक् टेलीफोनों पर फोन करके प्रिंसीपल नूं, प्रिंसीपल नूं की पता कौन है कौन नहीं, कोई पता एक तो फोन आ गया दूजे तो आ गया तीजे तो, उन्होंने कहा जी स्कूल फंक्शन नहीं कर रहा साडा बंद है, तो उन्होंने दबके दुबके मारे, दबके दुबके मार के फिर जो सोच हुंदी है उन्होंने फिर पुलिस भेजती, इत्थे थोनों लोगों भी इंटीमेट किया, आखिर तुसीं उन्हां दी इंटीमेटेशन ते आए हो ना, एंड उहदे बाद DO ऑफिस के बंदे भी आ गए सी क्योंकि पुलिस अफसर ने कहा साडा तो रोल ही कोई नहीं, उन्होंने आके चैक कर लिया, प्रिंसीपल ने दसता क्या देख लो 10-12 बच्चे है ये अपनी किट्स लैन आए हैं, उन्होंने कहता भी अगे तो छुट्टियाँ इन्हों किट्स लिए भी ना बुलाओ, गल मसला खत्म। देखो MLA लोगों की सहूलियत ली है, ये स्कूल भी लोगों की सहूलियत ली है, इस इलाके जे स्कूल ना हो दसो कितनी दिक्कत आएगी। सो MLA साहब नूं एहसास होना चाहिए तो हो भी जाऊगा, कोई यह जी गल नहीं है, तो मैं समझता कोई एड्डी लंबी चौड़ी कोई चीज़। सर जिहड़े बस दे विच बच्चे बिठाए गए सीगे सारे यूनिफॉर्म पाई हुई सी ओह फंक्शन लई आए सीगे सर? बिल्कुल, जिहड़ा भी बच्चा स्कूल आंदा हमेशा ड्रेस पा के आंदा, वो बच्चे जिहड़े आए सी जिहड़े स्कूल दे फंक्शन चलदे आ उहदी ड्रेसिज लई आए सी। बिल्कुल, फिर वो ड्रेसिज लिए बुलाया गया ना जी, जब फंक्शन होना है तुम फंक्शन होना ड्रेसिज लिए बुला गई ना, जो बच्चे कहते बारी बारी लै जाओ, और कोई स्कूल क्लास थोड़ा लगी हुई है, चलो दैट्स ऑल। इतनी ठंड है फंक्शन लेट भी हो सकता है, दो चार फंक्शन तो यही नहीं ओ छड्डो छड्डो। अपा उन्हें बच्चों भी पूछा, बच्चे कहते असं स्कूल यूनिफॉर्म पर आए हैं सानू प्रोजेक्ट लिए बुलाया गया, स्कूल स्कूल का प्रोजेक्ट ही है ना जी ये फंक्शन, तुसी MLA साहब नूं पुछ लो कि उन्होंने किस हैसियत दे विच फोन किया, कहनू मैनूं एवें छेड़ दिओ मैं बोलना नहीं चाहता, छड्डो एक जे किसे अहुदे ते बैठे बंदे नूं ख्याल ना होवे कि उहदी इख्तियार की है, छड्डो ये गल्लां नूं। आई डू नॉट हैव टू से एनीथिंग बियॉन्ड दैट। कौन सी क्लास के थे सर? 11 12th आपने अंदर जाके विजिट किया खुद? नहीं नहीं, आपने किया अभी? छोटे बच्चे थे, हमारे पास बच्चे। कोई बात नहीं सर, आई कैन नॉट हेल्प यू विद दैट। आप किस दिन का वीडियो चलाते हैं, क्या चलाते हैं, कैन नॉट हेल्प यू। आई डू नॉट हैव एनी कमेंट्स बियॉन्ड दैट। 7th क्लास के भी स्टूडेंट आए हुए हैं सर, 11 12th के आए हैं, तुम्हें कह रहा हूं सारे पास आई हैव वीडियो है। सर वकील साहब आए थे, वकील साहब बोल के गए हैं सर, एक सेकंड थोड़ा पीछे हो जाएंगे, वकील साहब आए हैं, वो बोल के गए हैं कि कुछ बच्चे बुलाए गए थे सर, 20 बच्चे। आपने कहा स्टडीज के लिए, मैंने कहा स्टडीज के लिए कोई बच्चा नहीं आया, आपने खुद देखा है देयर वाज नो एजुकेशन और क्लासेस गोइंग ऑन इन द स्कूल एक्सेप्ट फॉर 11th एंड 12th। सर बच्चों को क्यों बुलाया गया आपने? सर फॉर सम इवेंट जो हमारे यहाँ साहिबजादा जी के लिए होना था 28-29 तारीख को, वो इवेंट गवर्नमेंट ने पोस्टपोन कर दिया बिकॉज छुट्टियाँ हो गई थी, हमें पोस्टपोन करना पड़ा क्योंकि छुट्टियाँ हो गई थी। नहीं आप सरकार, एक सेकंड सुनिए प्लीज़ सर, बात सुनेंगे मेरी जी। वो इवेंट 24 जनवरी का हमने कर दिया,
सिर्फ 15-20 मिनट के लिए सात आठ के 11-12 बच्चे शायद आई थिंक वो लोग आए अपना नाप देने के लिए। ओके ठीक है जी, सिर्फ एक इवेंट था जिसके लिए नाप देने के लिए आए। सर यूनिफॉर्म में बच्चे आए थे? सर नहीं, आप गलत हैं। एक सेकंड, उसमें से कुछ बच्चे यूनिफॉर्म में हैं, कुछ घर में हैं, कोई बैग नहीं लेके आया हुआ, कोई बुक्स नहीं लेके आए हुए। प्रोजेक्ट के लिए बुलाया गया था? सर प्रोजेक्ट नहीं, इवेंट के लिए मैंने आपको कहा। सर हमारे पास एक बाइट है बच्चे की, उसमें प्रोजेक्ट का जिक्र किया उन्होंने। सर बच्चे का प्रोजेक्ट नहीं है, आप बच्चे की बात मानेंगे या मेरी मानेंगे? कोई बच्चा बैग लाया नहीं है। सर सिर्फ नाप के लिए, सर बैग में कोई बुक्स नहीं है कुछ। आई जस्ट सेड देयर इज नो स्टडीज गोइंग ऑन एंड सर बच्चा आई थिंक वी हैव सेड लेके आएगा बच्चा स्कूल में। सर बच्चा जो है अपना विंटर्स के लिए कई बार एक्स्ट्रा लेकर आता है, बैग नहीं लेकर आया। हमारे पास एमएलए का भी फोन वीडियो है हमारे पास सर, एरिया एमएलए का भी फोन आएगा। सर मेरे पास तो बहुत सारे कॉल आ सकते हैं, आई कैन नॉट कमेंट ना, मेरे पास नंबर नहीं है। बच्चे की वीडियो है हमारे पास सर, ये बच्चे की वीडियो है सर, ये बच्चे की वीडियो 11 12 नहीं सर 7th क्लास का, 7th का सर। सर हम क्या कह रहे हैं, बच्चा बोल रहा है, क्या कह रहा है, बच्चा बोल रहा है, स्कूल में बुलाया गया है। आई एम वेरी सॉरी सर, इसके पास सर आपको मैंने क्या कहा, देयर इज नो स्टडी गोइंग ऑन, दैट इज वेरी क्लियर। आई थिंक वी हैव मेड इट वेरी क्लियर सर, देयर इज नो स्टडी। सर यू नो इट बेटर सर, आप मेरे से कितनी देर से कोशिश कर रहे हैं, मैंने आपको कहा ना देयर इज नथिंग, देयर इज नो स्टडी। बोल बोल कर रहे हैं ना सर, पुलिस भी भगा दी, अपने डीएम भी भगा दिया, हम सबको भगा दिया। ये सर आपका कॉल है, ये आपका कॉल है, रोप लगा रहे हैं एमएलए सर, ये आपका कॉल है। आई हैव मेड इट वेरी क्लियर, आपके लीगल वकील आए थे, वो एमएलए पर बोल रहे हैं। नहीं सर मेरे, नहीं सर देयर इज नो लीगल वकील, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, हमने ना किसी को बुलाया, आई एम टेकिंग इट वेरी क्लियर। सर आप मुझे वो बात बता रहे हैं जिसके लिए मेरे को नहीं पता, ठीक है जी, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, वी आर वेरी क्लियर, कोई स्टडी नहीं चल रही। 11 12th में आप लोगों ने विजिट कर लिया है, यू हैव सीन द कैंपस, आपको सर मैंने इतना भी फैसिलिटेट कर दिया दैट यू हैव विजिटेड द कैंपस। मीडिया वालों कैमरे रोकने बंद किए, आपने बंद करने की कोशिश की आपने। यू आर वेरी सॉरी सर, यू आर ट्राइंग टू पुट समथिंग ऑन मी जो मैंने नहीं किया सर, आप जबरदस्ती अपने वर्ड्स को मेरे मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं जो ठीक नहीं है। चलो ठीक है सर, ऐसा कोई इवेंट नहीं है, वॉट एवर इज देयर। नहीं आप सरकार की गाइडलाइंस को उल्लंघना कर रहे हो सर, देयर इज नथिंग, मैंने कहा ना आपने 11 12th की क्लासेस चल रही हैं और कोई क्लासेस नहीं चल रही हैं, आपने देख लिया। बंद का बच्चा आया हुआ यहाँ पे सर, आपसे मैंने क्या कहा, यूनिफॉर्म पे आप बोले बैग नहीं, बैग भी था सर, नहीं बैग में क्या था सर, आपने चेक किया? पढ़ाई जब नहीं चल रही तो नहीं चल रही सर, बैग किस लिए आएगा सर? बच्चा अपना कोई सामान ला सकता है ना, मैं तो नहीं रोकूंगा उसको।